31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह की बजाय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ किया गया। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अभियान में पुलिस, यातायात, परिवहन व जिला प्रशासन साथ साथ मिलकर लोगों को जागरूकता फैलाएंगे। इस अवसर पर लियो यूथ ग्रुप के सहयोग से लगाई गई यातायात प्रदर्शनी में भी अच्छे ढंग से यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही कंट्रोल रूम के बाहर खड़े ट्रैक्टरों सहित अन्य वाहनों पर भी रेडियम के रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय की मोबाइल वैन को उपस्थित अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रत्येक गांव व पंचायत में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागृत करेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक भंवर रणधीर सिंह, सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया, शहर कोतवाल नेमीचंद चौधरी, यातायात प्रभारी मेघनाथ त्रिपाठी सहित पुलिस, परिवहन, यातायात विभाग व स्वयंसेवी संस्थाओं के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बिलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रशासन और परिवहन विभाग सबके द्वारा मिलकर प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि समस्या की तरफ अगर देखेंगे तो क्राइम के कारण इतनी मौतें नहीं होती हैं जिसके कारण जो एक्सीडेंट के कारण होती हैं, ये आंकड़ा उससे लगभग 10 गुना भी रहता है कई बार। तो उसकी स्थिति की भयावहता को हम लोग बताने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी सावधानियाँ रखने से जो रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली मृत्यु है उनको रोका जा सकता है, रोड एक्सीडेंट के कारण होने वाली जो नुकसान है, चोट है, उनको रोका जा सकता है। सर, सप्ताह मनाया जाता है, अब महीना मनाया जा रहा है जी, लेकिन उसके बाद में यातायात नियमों की वापस अनदेखी हो जाती है, केवल इसके लिए प्रोग्राम के बाद तीसरी। देखिए, इसके लिए सब लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक विभाग या एक प्रशासन या प्रशासन पूरा मिलकर भी इस काम को जब तक लोगों का सहयोग नहीं तब तक नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग भी इसमें हमारा साथ दें, आप सब लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब उसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इस चीज़ की ग्रेविटी को लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इस पूरे माह में अवेयरनेस पे रहेगा। लोगों को, आपने प्रदर्शनी को देखा है जिसमें ट्रैफिक नियमों के हर जो आधार है उसको चिन्हित किया गया है, रूल्स के बारे में बताया गया है, सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है, शराब पी के ना चलाने के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको विज़िट करें और इस वहाँ के जो मंशा है उससे सीख लें। सर, सर एक चीज़ और, भिलवाड़ा में एक रास्ता में ऐसा चीज़ नहीं, भिलवाड़ा में एक ट्रैफिक पार्क बना है जिसमें ये ट्रैफिक पार्क जो है सर, वो हमने UIT से RTO साहब को हैंड ओवर कर दिया है, उसका निर्णय लेके वो उनको संचालन के लिए दे दिया गया है। तो RTO साहब आगे, उनका ऑफिस इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से निर्णय हो चुका है और इसके उपयोग के लिए सभी लोगों के लिए ये खुला हो जाएगा।